हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर मी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास हमारे वांगशियान फैन फिक्शन थॉटफुल इडियट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग और वांग जी के बीच एक बहुत ही रोमांटिक स्पाइसी किस हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, मैं आप सबके लाइक्स और कमेंट्स का हमेशा वेट करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, तो अब फाइनली बढ़ते हैं आगे। बेचारा विंग वहीं पर बैठा रह गया। उसकी तो बॉडी जैसे काम ही नहीं कर रही थी, दिमाग बिल्कुल सुन पर गया, दिल की धड़कनें रेस करने लगी और हाथ पाँव तो उसी की बात नहीं मान रहे थे, एक ही जगह पर बैठे रह गए। बेचारा विंग अपने ब्रेन को कह रहा था तो चलता क्यों नहीं, दिल से कह रहा था तो रुकता क्यों नहीं, और फिर उसी तरह बैठा रह गया। और फिर फाइनली नी हुए सांग ऊपर आया और कहने लगा, विंग उठेगा अब या फिर ऐसे ही बैठे रहना है? और फिर फाइनली विंग जवाब देकर कहता है, मैं तो अपने दिमाग से कह रहा था ये चलता क्यों नहीं, और ये स्टूपिड दिल ये रुकता क्यों नहीं। ये सुनकर तो नी हुए सांग हंसने लगा और कहने लगा, यू स्टूपिड बॉय, मैंने देखा तेरे साथ क्या हुआ, अब चल नीचे। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वो स्टूपिड फिर से आएगा और मुझे खाने लग जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर नी हुए सांग कहता है, यू स्टूपिड, तू अपने कमरे में जाएगा, चल मेरे साथ। और फिर नी हुए सांग उसे पकड़ कर ले जाता है और साथ ही अपना गिफ्ट भी ले जाता है और कहता है, तू मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा? और फिर विंग कहता है, तेरे बर्थडे की वजह से ये सब हुआ, उस इडियट ने मेरा पहला किस चुरा लिया। और फिर नी हुए सांग कहता है, तो चुपचाप मेरे साथ चल, सब लोग मेरे बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं, मैं केक काटूंगा, तू नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा? और फिर विंग कहता है, ओ तो तेरे बर्थडे की प्रिपरेशन चल रहे हैं, चल चल जल्दी चल। विंग तो जैसे भूल ही गया कि उसके साथ क्या हुआ था। वो नी हुए सांग के साथ जाता है और फिर सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और फाइनली नी हुए सांग का केक कट होता है। वांग जी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आए थे, गगा शी चैन भी थे, लेकिन वांग जी नहीं आया था। और फिर विंग कहता है, ये स्टूपिड अभी तक आया क्यों नहीं, किसकी बात कर रहा है तू? और फिर हमारा विंग जियांग चेन के कान में कहता है, मैं उस इडियट की बात कर रहा हूँ, हुए सांग के बर्थडे पे नहीं आएगा। और फिर आचिंग हल्का मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुझे उसे लाना है तो जा, खुद बुला कर ला। और फिर विंग कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बुलाऊँगा, कहकर वो फिर से अपनी मस्ती करने लग गया था। और आचिंग हल्का मुस्कुरा कर कहता है, ये बच्चे भी कितने प्यारे होते हैं ना। हमारा विंग भी अजीब है, बच्चा भी है, बड़ा भी है, बिल्कुल मिक्स, और शरारतों के साथ साथ रोमांस भी कर सकता है, बिल्कुल मेरी तरह है ना। फाइनली नी हुए सांग अपना केक कट करता है, सब लोग उसे गिफ्ट देते हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। और फिर विंग कहता है, हुए सांग अब रिटर्न गिफ्ट दे। कौन सा रिटर्न गिफ्ट, मैं कुछ नहीं लाया, अबे कंजूस, तेरे लिए गिफ्ट लाने के चक्कर में मैं इतना देर तक गुम हो गया था, मुझे घर का रास्ता नहीं मिला और तू रिटर्न गिफ्ट नहीं देगा, यू कंजूस। और फिर वेंजिंग कहती है, हाँ बिल्कुल नी हुए सांग, तुझे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। और फिर नी हुए सांग कहता है, मैं कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दूंगा। और फिर नी हुए सांग जल्दी जल्दी जाता है और वेनिंग के पीछे छिप कर कहता है, प्लीज़ मुझे इन स्टूपिडों से बचा लो प्लीज़। और फिर वेनिंग कहता है, मैं क्या करूँ, तुमने तो मुझे भी रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। और फिर नी हुए सांग कहता है, तुम मेरे एल्फा हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि तुम इस तरह सबके साथ मिल जाओ। और इससे हमें पता चलता है हमारा नी हुए सांग हमारे वेनिंग का ओमेगा है। वैसे मैं आप सबको पहले ही बता दूं, हमारे जियांग चिन का भी एक गर्लफ्रेंड है और वो हमारी वेंचिंग है, जो कि एक क्यूट ओमेगा है। तो अब फाइनली फैन फिक्शन पर आए।
हमारा विंग जाता है नियो इसांग के पास और उसके सर पे एक जोर से टफली बजा कर कहता है, यू स्टूपिड, तू अभी के अभी हमें रिटर्न गिफ्ट देगा वरना हम सब तुझे पनिश करेंगे, तुझे डर देंगे, रात को तुझे अकेले बाहर कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, जाएगा? फिर नियो इसांग डरते हुए कहता है, नहीं 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 मैं रिटर्न गिफ्ट मंगा रहा हूँ ना, तो बैठ यहीं पर बैठ, कहकर नियो इसांग जल्दी जल्दी अपना फ़ोन ओपन करता है और फिर जल्दी जल्दी वो ऑनलाइन ही कुछ शॉपिंग कर लेता है। आधे घंटे में डिलीवरी पहुँच भी जाती है और बेचारा नियो इसांग सबको गिफ्ट आखिर दे ही देता है। आखिर विंग के सामने किसकी चलती है, ये बेचारा विंग बिल्कुल भी बेचारा नहीं है। सब लोग मस्ती कर ही रहे थे इतने में जंगशा जाता है वेंजिंग के पास और वेंजिंग का हाथ पकड़ के कहता है, कितने दिन हो गए हम लोग साथ कहीं घूमने नहीं गए, आज फाइनली चले। और फिर वेंजिंग कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, यहाँ पर बर्थडे पार्टी हो रही है ना, मुझे यही रहना है। और फिर आचिंग थोड़ा सा गुस्सा दिखा कर कहता है, अभी नहीं कहीं ना तो सीधा ब्रेकअप। और फिर वेंजिंग कहती है, तो अभी कर लो ना ब्रेकअप, मैंने कब मना किया है। और फिर हमारा जियांगचिन गुस्से में आ जाता है और उसे खींच कर बाहर लेकर जाता है और विंग ने यह नोटिस कर लिया था और फिर वो चुप चुप कर पीछे जाता है और देखता है जियांगचिन ने उसे दीवार पर पिन कर लिया था और वेंजिंग छूटने की कोशिश कर रही थी और फिर जियांगचिन उसे ईगरली किस करने लग गया। ये सीन देखकर तो विंग डर गया और वहाँ से फौरन भागकर पार्टी हॉल में आने ही वाला था कि इतने में ही विंग हमारे वांगजी के साथ टकरा कर नीचे गिर गया। विंग को लग रहा था कि वो किसी पिलर से टकरा गया या फिर किसी लोहे के दरवाजे से, इसीलिए वो रोते हुए कहा कि मेरे सामने किस इडियट ने लोहे का दरवाज़ा रख दिया। और फिर वांगजी कहता है, ये स्टूपिड बॉय उठो, मैं कोई लोहे का दरवाज़ा नहीं हूँ, मैं वांगजी हूँ देखो। और फिर विंग कहता है, ओ खम्बा खम्बा नहीं मैं वांगजी हूँ, तुम्हारा दिमाग गुम हो गया है क्या, नहीं मुझे दिख रहा है कि ये तुम ही हो खम्बे की तरह लंबे, कहकर विंग वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़ कर उसे ईगरली किस करने लगा। और फिर विंग खुद को चुराते हुए उसे मार देता है एक ज़ोरदार थप्पड़ और फिर वांगजी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और विंग भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में आ गया। और फिर पार्टी हॉल में सब लोग उसका वेट कर रहे थे, बेचारा विंग नाराज़ था लेकिन फिर भी आ गया नीचे। दूसरी ओर हमारा वांगजी अपने लिटिल बनी के हाथों थप्पड़ खाकर अपने गाल को सहलाते हुए अपने कमरे में आ गया और आकर मिरर के सामने खड़ा हो गया और खुद पर ही हंसने लगा। पहली बार हमारा वांगजी इतना दिल खोल कर हंस रहा है, उसकी हंसी की खिलखिलाहट से ही पता चलता है कि वो विंग के लिए कितना ज़्यादा खुश है, विंग को अपने पास पाकर वो कितना ज़्यादा हैप्पी है। उसकी आँखों की चमक, उसके शर्म से एकदम गुलाबी गुलाबी कान और हाथों का वो प्यारा सा रिंग, ये रिंग देखकर वांगजी कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कब ये रिंग वो अपनी उंगली से उतार कर हमारे विंग की उंगली में पहनाएगा। ये रिंग देखकर तो उसकी आंखों में और ज़्यादा चमक और आंसू आ गए। वांगजी खुद पर ही हंस रहा था कि छोटे से बेबी बनी ने उसे थप्पड़ मार दिया, भले ही वो थप्पड़ उसे किसी फ्लावर का अपने गाल में टच होने जैसा लगा था लेकिन फिर भी उसे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि थप्पड़ मारने के बाद बेचारा वही खुद ही डर के भाग गया था। दूसरी ओर हॉल में सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। नी हुएसांग वेनिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरा क्यूट अल्फा मुझे क्या गिफ्ट करेगा? और फिर वेनिंग कहता है, तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे बताओ। और फिर नी हुएसांग एक के बाद एक चीज़ों की लिस्ट बताता रहता है और बेचारा सा क्यूट सा वेनिंग एक के बाद एक चीज़ का लिस्ट लेता है और ऑर्डर करने बैठ जाता है। और फिर नी हुएसांग जाता है विंग के पास और फिर दोनों साथ में डांस करते हैं, केक खाते हैं। और फिर हमारा विंग कहता है, तुझे और क्या क्या खाना है? और फिर नी हुएसांग विंग के सामने भी एक बड़ा सा लिस्ट थमा देता है
उसे चिकन खाना है और फिर उसे फ्राइड राइस भी खाना है, शेजवान फ्राइड राइस और भी कई सारी चीज़ें। विंग कहता है ये सब ऑर्डर करूँ या बनाने बैठूँ, यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मुझे तो पता भी नहीं है। फिर वेनिंग कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। और फिर वांग जी की मदर सामने आती है और कहते हैं तुमने क्यों ऑर्डर किया, ऑर्डर फ़ौरन कैंसिल करो क्योंकि हमारा ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी। और फिर वेंडिंग जल्दी जल्दी कैंसिल करता है और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। और फिर वांग जी की मदर कहती है विंग जाओ जाकर वांग जी को बुला लाओ, वो भी भूखा है। और फिर विंग कहता है मुझे जाना पड़ेगा, हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, चलो जाओ। और फिर हमारा विंग जाता है वांग जी को बुलाने। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय बाय।